देश के कई राज्यों में मार्च के महीने की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत के मौसम का मिजाज भी बदला सा है। पिछले दिनों आई बारिश के बाद अब तक हवा में नमी के साथ ठंड का एहसास मौजूद है। ऐसे में फिलहाल लोगों को कुछ दिन और इस मौसम के साथ गुजारने को मिलेंगे। मौसम विभाग की माने तो एक बार फिर देश के कई राज्यों का मौसम बदलने वाला है। 8 मार्च को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही आईएमडी ने दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश को लेकर अगले 72 घंटे का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अगले 4 दिनों तक सुबह शाम हल्की ठंडक बनी रहेगी। 9 और 10 मार्च को दिल्ली में 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। 11 मार्च के बाद दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटे के अंदर उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में बदलते मौसम की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जिससे मौसम में ठंडक बनेगी। हालांकि दिन में थोड़ी धूप जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन इससे तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में आने वाले 2 दिनों में बारिश की संभावना है। लखनऊ आईएमडी ने बताया है कि पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 8 और 9 मार्च को हल्की गरज चमक के साथ बारिश के आसार है, जबकि 10 मार्च को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। होली के बाद यूपी के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। गुजरते दिनों के साथ लोगों को यहाँ गर्मी का एहसास होने लगेगा। वही आईएमडी ने एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस को लेकर चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक अफगानिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस बन रहा है। ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस 10 मार्च की रात को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में दस्तक देगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 10 से 12 मार्च के बीच तूफान के साथ बर्फबारी और बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तरी पहाड़ों पर अगले 15 दिनों तक हलचल जारी रहने की संभावना है। पंजाब और उत्तरी हरियाणा में ओले गिरने के साथ ही तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है। ओडिशा में 8 और 9 मार्च और हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 8 मार्च को हल्की बारिश होगी। मौसम के बदलते मिजाज का असर हिमालयी क्षेत्र में अभी से देखा जा सकता है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखी गई। पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ी। गुजरात और राजस्थान में भी छुटपुट ओलावृष्टि देखने को मिली, जबकि हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ के कुछ इलाकों, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा में कई जगहों पर अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी देश के कई राज्यों के कई शहरों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। दिन के समय धूप के कारण गर्मी के आसार दिख रहे हैं, लेकिन पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से अगले 4-5 दिनों तक गर्म हवाएं नहीं चलेंगी, जिससे तापमान सामान्य रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन।